जेजेपी की स्थापना दिवस रैली बनेगी हरियाणा में मिसाल। दुष्यंत चौटाला की इस रणनीति से टूट जाएंगे रिकॉर्ड। भिवानी की इस रैली में दुष्यंत चौटाला दिखाएंगे अपनी राजनीतिक कुशलता की ताकत। रैली की सफलता के लिए बनाए ऐसे बिंदु, विरोधियों के बंद हो जाएंगे मुंह। जननायक जनता पार्टी की ओर से इस बार 9 दिसंबर को भिवानी में रैली रखी गई है। पिछले साल पार्टी के स्थापना दिवस पर जजपा ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गृह इलाके में रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाई थी। इस बार की रैली में कई तरह के बड़े बदलाव जजपा ने किए हैं। रैली में प्रत्येक जिले का अलग से ब्लॉक बनाया जाएगा। इसकी एक वजह है प्रत्येक जिले से आने वाली भीड़ का सही आकलन करना और व्यवस्था बनाए रखना है। भिवानी के निनाड़ा गांव के पास हुड्डा ग्राउंड में ये रैली होगी। करीब 21 एकड़ के परिसर में रैली में पूरे शामियाने को पार्टी के रंग से रंगा जाएगा। हरे एवं पीले रंग के शामियाने का पांडाल तैयार किया जाएगा। इसके अलावा रैली परिसर में 20 से अधिक बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगी, जबकि 3 मंच बनाए जाएंगे। इस बार मुख्य मंच पर पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी लेवल के नेता बैठेंगे। जिला लेवल के नेता अपने अपने जिले के ब्लॉक में कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे। पार्टी के चौथे स्थापना दिवस पर ये रैली ऐसे महत्वपूर्ण समय में होने जा रही है, जबकि गठबंधन की गांठों के खुलने की चर्चाएं लगातार जारी हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 40 सीटों पर जीत मिली थी। जजपा के 10 विधायक चुनकर आए थे, जबकि 7 आजाद विधायक चुने गए थे। ऐसे में भाजपा ने 6 आजाद विधायक और जजपा के 10 विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इस साल 27 अक्टूबर को गठबंधन के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। हरियाणा में समीकरणों में बड़ा बदलाव नहीं होता है, तो मई 2024 में लोकसभा और अक्टूबर 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जजपा के लिए ये बड़ी रैली का इम्तिहान है। यही वजह है कि रैली में भीड़ जुटाने को लेकर अजय चौटाला के पूरे परिवार के अलावा पार्टी के बड़े नेताओं ने अपनी ताकत झोंक दी है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, उनकी मां विधायक नैना चौटाला, दिग्विजय चौटाला, केसी बांगड़, शीला भ्याणा के अलावा पार्टी के विधायक भी रैली को लेकर पूरे प्रदेश भर में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। रैली में एक वीआईपी मंच के अलावा मीडिया और कलाकारों का मंच भी बनाया जाएगा। रैली में पंजाबी और हरियाणवी गायक भी पहुंचेंगे। जेजेपी की इस रैली को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताना। पॉलिटिकल डेस्क, सत्य खबर।